फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में चिकित्सा विभाग की ओर से गठित उच्च स्तरीय जांच कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसके बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने पीसी की और रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि इस मामले में एसएमएस हॉस्पिटल के एडिशनल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेंद्र बागड़ी को पद से सस्पेंड कर दिया है। साथ ही डॉक्टर राजेंद्र बागड़ी, डॉक्टर अचल शर्मा और डॉक्टर राजीव बगरहट्टा को अनुशासनात्मक कार्रवाई का नोटिस जारी किया है। फर्जी ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में गठित राज्य स्तरीय कमेटी ने जांच पूरी करने के बाद अपनी रिपोर्ट चिकित्सा विभाग को सौंप दी है, जिसके बाद स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खींवसर ने कहा कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री प्रजुला शर्मा से भी मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई के लिए कहा था, हमने कड़ी कार्रवाई की। चिकित्सा विभाग ने ही मामला संज्ञान में आने के बाद FIR दर्ज करवाई। इस मामले में सामने आया है कि बड़ा गोरख धंधा हुआ है और ये गोरख धंधा 2020 से चल रहा था। हमारे विभाग ने सजगता बरतते हुए ACB तक मामला पहुंचाया। हमने कम से कम इसकी जड़ें जो हैं, हमने 2020 से हमने ट्रेस कर ली है। जो CT बजाई वो स्वयं हमारे डिपार्टमेंट ने ही ACB को जाकर शिकायत की। ये गंदा धंधा जो है अनडिटेक्टेड रहता कई महीनों या वर्षों तक। चिकित्सा मंत्री बोले, जांच में सामने आया है कि 2022 में दोनों कमेटियों को मर्ज किया गया। एक सेंट्रल पावर सबको लीड कर रही थी, जिसमें सरकार के प्रतिनिधित्व को हटाया गया। डॉक्टर सुधीर भंडारी ने RUHS VC बनने के बावजूद सोचों का पद नहीं छोड़ा। केंद्र ने भी इस मामले में सवाल उठाए, जिसके आधार पर भी जांच की गई है। उन्होंने कहा कि SMS मेडिकल कॉलेज की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा और अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने सीधे ACB में शिकायत की गई। विभाग की ACS को 10 दिन बाद में सूचित किया गया, जो बड़ी लापरवाही की श्रेणी में आता है। ऐसे में डॉक्टर बगरहट्टा और डॉक्टर अचल शर्मा को पद से हटाते हुए 16CCA में नोटिस दिए गए। प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र बागड़ी की भूमिका भी गड़बड़ मिली है। विभाग ने डॉक्टर बागड़ी को निलंबित करते हुए 16CCA में नोटिस जारी किया गया है। साथ ही चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि SIT को जांच में दस्तावेज देंगे और पूरी मदद करेंगे। 2023 में ये दोनों कमिटीज मर्ज हो गई, और जब VC बनते हैं तो सोटो का पद जो है उसको त्याग देना, वो पद जो है वो ले गए साथ में। कमेटी की जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य जानकारी में आए हैं। प्रदेश में 15 अस्पतालों में मानव अंग प्रत्यारोपण किया जा रहा था, इनमें 4 सरकारी और 11 निजी अस्पताल हैं। जांच में सामने आया कि पिछले एक साल में करीब 945 प्रत्यारोपण हुए, इनमें से 82 सरकारी अस्पतालों में और 863 निजी अस्पतालों में हुए। इनमें से 933 का रिकॉर्ड उपलब्ध हो गया। कुल 933 अंग प्रत्यारोपण में से 882 किडनी और 51 लीवर के ट्रांसप्लांट थे। प्रत्यारोपण के 269 केस ऐसे सामने आए हैं जिनमें डोनर और रिसीवर नजदीकी रिश्तेदार नहीं थे। लगभग 269 केस ऐसे थे जिसमें डोनर और रिसीवर नजदीकी रिश्तेदार नहीं थे। एक वर्ष में कुल प्रत्यारोपण में से 171 प्रत्यारोपण विदेशी नागरिकों के थे, लगभग 18% ऑफ द टोटल दैट द कमेटी लुक्ड इनटू। चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि कमेटी की रिपोर्ट भले ही आ गई हो, लेकिन जांच पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। पुलिस और SIT को स्वास्थ्य विभाग जांच में सामने आई सभी दस्तावेज उपलब्ध कराएगा और जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा, जिससे इस काले कारनामे से जुड़े सभी आरोपी बेनकाब हों। अनूप शर्मा, Zee Media, जयपुर।